तो मैं पिछले कम से कम 6 महीने से सोच रहा हूँ ब्लॉग बनाने की, पर तब से मैं कुछ मतलब कि क्या बताऊँ, ब्लॉगिंग ही करनी है। और तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि यार आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉच देखें, और इसलिए जो मेरा जो मनोबल भी अब बढ़ा रहेगा, और मैं ब्लॉग बनाने के लिए भी मतलब बहुत एक्साइटेड था मैं काफ़ी टाइम से। और उसके बाद मैं मतलब आपके कितने कम से कम 6 महीने से सोच रहा हूँ ब्लॉग बनाने की, पर तब से मैं कुछ मतलब कि क्या बताऊँ कैसे करूँ, कभी फ़ोन नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता, कभी कुछ होता, कभी होता। उसके बाद फाइनली मैंने आज 2 दिन दिन से मैं वही यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ कि कन्फर्म मेरे को बनाना ही बनाना है ब्लॉग, चाहे कुछ हो जाए कुछ करना, मुझे ब्लॉगिंग ही करनी है। और सैफ से रिलेटिव जो हमारे जो है किचन सैफ खुशी ब्लॉग जिस नाम से मेरा चैनल है, उसको भी जो है काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो करूँगा। और जितना मैं जो भी बनाऊँगा मैं किसमें कहाँ काम करता हूँ, कौन से होटल में काम करता हूँ, किस चीज़ में करता हूँ, कौन से डिपार्टमेंट में, हर चीज़ को दिखाऊँगा। एक चीज़ जो भी होती है हर चीज़ की कैसे बनता है, कौन सी चीज़ क्या बनता है, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, दो दो एक्सपीरियंस एक ही वीडियो में या एक ही चैनल में देख सकते हो। मतलब घर का कैरेक्टर भी और दून का कैरेक्टर बोले तो होटल इंडस्ट्री का भी, इंडस्ट्री का कैरेक्टर भी जो मेरे साथ ही देख सकते हो आप। बाप को भेज, तेरे बस की बात। ये बड़ा डेंजरस रास्ता, और ये डेंजर रास्ते के साथ साथ यहाँ पे जो है बहुत सारी मतलब खाला टाइप का है, देखो नीचे कितने डेंजर रास्ता भी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इसके चक्कर से दिख नहीं रहा होगा। और जो ये है प्यारा सा गांव दिख रहा है, ये हमारा गांव है, यहाँ से दिख नहीं रहा पूरा, एक साइड भी दोनों साइड गांव है। और ये इस रास्ते से आए हम इधर ये बहुत डेंजर रास्ता, खेत भी हैं बहुत सारे लोगों के नीचे, वो खा ले। अब दिखाता हूँ मैं अपना फ्रंट साइड कि मैंने क्या लेके आ रहा हूँ। जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने। सर आज मैं आया हूँ लेके, क्या बोलते हैं, तिल बोलते हमारे लैंग्वेज में, तिल तिल हाँ तिल बोलते हैं। सो अभी जा रहा हूँ मैं इधर अपने घर की ओर, और घर से देखो यहाँ पे सन्नारा सूरज आ रहा होगा ऊपर से, इतनी पहाड़ियों के नीचे से ऊपर पहाड़ी चल रही है। मैं आ रहा हूँ इधर, अरे भोजन लेके आ रहा हूँ मैं, और मेरी हालत ऐसी हो रखी है पसीना से तर तर हो रखा हूँ पसीना से। सुबह तो ठंडा लग रहा था जब खेत में गया, अभी मैं खेत से आ रहा हूँ तो पसीना शुरू हो गया है। और अब देखते हैं आगे जाके कितना सा कितना दूर है, अभी रास्ता भी बहुत दूर है, अभी आगे यकीन नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे कुछ मकान दिख रहे हैं इधर, और हमारे गांव, और मैं जा रहा हूँ गांव की ओर, गांव की ओर। यहाँ पे हम इसको सुखाएंगे, डेंजर रास्ता बोलते थे गाँव का रास्ता, पैदल वाला रास्ता। यहाँ पे कभी भी अगर हमारे यहाँ ज़्यादा ही बारिश होती है, ज़्यादा पानी आता है, तो हम ये वाले पुल का जो है हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये नदी है नीचे हमारे गांव की नदी है, और नदी बोलने से छोटी सी नदी है, आती है बरसात में पानी सूखता नहीं है, 12 महीनों पानी जाता है इसमें, मतलब सही अभी बरसात में ज़्यादा होता है, और आजकल बरसात है तो इससे थोड़ा दिख रहा है, नहीं तो अभी इससे पहले बहुत सारा पानी था, लाल मिट्टी वाला पानी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मिट्टी वाला पानी था। और ये हमारे गाँव की नदी आती है आजकल थोड़ा कम दिख रही है, और इससे पहले तो बहुत ज़्यादा थी। और अभी हम डेंजर रास्ता है यहाँ से देखा, ये है अखरोट का पेड़ बोले तो वॉलनट का पेड़, ये देखो, देखा होगा सब लोग जो पहाड़ों में रहते हैं, उन्होंने तो बखूबी देखा होगा इसको, वॉलनट का पेड़, ये है वॉलनट का। और एक फ़ायदा और इस पेड़ का, जिसकी पत्तियाँ हैं इसको हम टूथ ब्रश, ये है वो पेड़, और ये है उसकी पत्तियाँ, ये पत्तियाँ हैं वो, तो इस पत्ती को क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं, इसको यूँ तोड़ के यूँ फोल्ड करके, यूँ फोल्ड करके क्या करते हैं इसका, ऐसे यूज़ करते हैं सुबह के टाइम पे। और जो ये इतनी अच्छी चीज़ है, इससे जो है दांत बिल्कुल साफ जाएंगे, चमक ज़्यादा आ जाएगी इसमें। और साथ साथ ही जो है ये वाली साइड होती है हमारे दांतों की जड़ होती है, उसको लाल हो जाती है इससे, इस पत्ते से बहुत यूज़ किया हमने बचपन में बहुत ज़्यादा, उस टाइम टूथपेस्ट ब्रश कॉलगेट कुछ नहीं होता था, होता क्यों नहीं था पर गाँव में बहुत कम होता था। इस चक्कर से हम इसे, ये है वो पेड़ बड़ा सा पेड़, इसमें अखरोट लगते हैं, आजकल तो अखरोट का सीज़न ख़त्म हो गया, निकल गए लोगों ने घर में तोड़ तोड़ के घर में लेके सुखाने के लिए। इसके साथ ही जो एक और पेड़ है, ये वाला पेड़, ये पेड़ क्या बोलते हैं इसको, भंगजीर का पेड़ बोलते हैं हमारे, भंगजीर तुम्हारे यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं आप लोगों के यहाँ, और ये बोलते हैं जो पोहा होता है ना, चूड़ा टाइप, चूड़ा बोलते हैं पोहा, पोहा के साथ ही डलता है ऐसे, कैसे मुझे पड़ता है
अरे हमारा खेत है, इसमें रखी हमने ये सारे तन होने उधर से लाए, कल से ला रहे हैं तिल, तिल है मैं तिल के सामते मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। क्या हुआ सो ये वाला भुजल है मैंने, अरे मैं खोल रहा हूँ इसे, ये हो रस्सी, ये लाया मैंने आज, ये कल मम्मी ने, ये मम्मी पापा ने लाया दोनों, और अभी जो है मम्मी ने लाया, मम्मी ने ऊपर से चढ़ नहीं पाई यहाँ से इस खेत से, तो अभी मैं जा रहा हूँ जंप करके हैं, और ये पहुँच गया मैं ये मम्मी के लाए हुए भोजे के पास, इसलिए आता हूँ मैं ऊपर। और इसके साथ ही देखने को मिला हमें मिर्च, ये बोलते हैं ग्रीन चिली, ग्रीन चिली का पेड़, हरी मिर्च का पेड़, आजकल मिर्च पकने लगी तो वैसे मिर्च हो जाएगी, तो गांव में से दिखा जाए हर चीज़ पैदा होती है, पर हम क्या करें, हम घर से तो पलायन कर रहे हैं, इस चक्कर से लोग भागे रहे। पर मैंने भी सोचा यार कि देखो एक दो साल बाद अगर आप लोगों का साथ सपोर्ट रहे तो अच्छा चलने लग गया यूट्यूब चैनल, तो हम अपने घर ही रहेंगे, अपने सब कुछ ऑर्गेनिक लगाएंगे हम, टमाटर प्याज भिंडी अरबी जो भी है सारे पे थोड़ा थोड़ा हर चीज़ लगाएंगे, हर चीज़ तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ होगा, तो यार घर से लोग जाएंगे भी नहीं, और घर से जो है सब कुछ बनी रहेगी, और मम्मी पापा लोगों का सहारा भी हो जाएगा। बस बेटा, अरे कहना क्या चाहते हो, सो प्लीज़ भाई लोगों हमारा साथ दें, और घर की ओर जो है पलायन करें उत्तराखंड। गांव में तो होता है इतना कि अगर कोई थोड़ा सा मिर्च ले ले, इसका पेड़ दिख रहा है तो लेके तोड़ दो, चार छह मिर्च लेके जाओ, कोई कुछ नहीं बोलता है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक। यही चीज अगर बाहर करें तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा, तो यही तो गांव की बात है कि थोड़ा सा किसी का कोई आज तेरे पास नहीं है, ले भाई तू मेरा ले ले, ये मैं आपका लूं। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। कुछ भी यार, कुछ सामान कुछ भी चीज हो, तो गांव में ऐसे होता है, अदला बदली की जा सकती है, ऐसा होता है। ऊपर है जो, इसके ऊपर हमारी जो छानी है, हमारे वहाँ पे बैल हैं, भैंस हैं, दो बकरियाँ भी हैं, और फिलहाल तो कुछ नहीं, यही चीज़ें हैं, तीन चार चीज़ें, और इधर हैं ये हमारे खेत हैं, दो तीन यहाँ पे चार खेत ऊपर हैं, तो आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, ये खेत हैं हमारे दो, फिर चार खेत ऊपर हैं, और ऊपर हैं बहुत टॉप में, ऊपर 10-15 खेत ऊपर हैं, और जो बहुत सारे खेत हैं जो बताऊँ कभी मैं फुर्सत से। सो गाइस मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ। सारे मिर्ची का पेड़ तोड़ देने माता से नहीं, और अब इसकी जो सारी मिर्ची हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वैसे भी सूखी जाएगा टूट गया पेड़, तो मैं इसकी मिर्ची सारा तोड़ रहा हूँ इसे, और उनको पता भी नहीं चलेगा जिनका पेड़ है, और मैं चाह रहा हूँ मिर्ची निकाल रहा हूँ, तो सो अब ये सारी मिर्च पहुँचेगी देहरादून। बाय बाय, मिलते हैं रास्ते में मसूरी कैंपी फॉल की ओर, और सो गाइस बाय लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन। समझ रहे हो ना। इस पत्ते का तो तुम बाको भी जानते होंगे, ये बोलते हैं कापले, पहाड़ी डिश होती है कापली, तो उसमें जो है बहुत रोल अदा करता है ये पेड़, ये कापली का पेड़ बोलते हैं इसे, और ऐसे हम पिंडा अरबी का पेड़ है, उस पेड़ के दो दो फायदे होते हैं, नीचे अरबी होती है उसको खाते हैं, ऊपर पत्ता जो हम बॉयल करके उसे भी खा सकते हैं, जैसे कोई आदमी गांव में चंचल लड़की लड़का जो भी हो बोलते हैं, तो वो तो पिंडाओ चको पानी है, तो ऐसे ही होता है जो पिंडाओ, ये वो पत्ता इतना बड़ा पत्ता है, काफ़ी बहुत बड़ा पत्ता है, वहाँ पे भी है पेड़, वहाँ पे भी है, देखो ये हल्दी का पेड़ है, ये हल्दी का पेड़ है, ये हल्दी लगा रखी मेरी माता ने, मेरे ताई जी ने, बड़ी ताई जी, तो मैं उनको माता ही बोलता हूँ, उनको मम्मी जी, और ये हमारा केले, ये उनका ही लगा रखा है, देखो केले का पेड़ लगा रहे दो तीन, तो उधर बहुत सारी खेती हो रही अरबी के पत्तों की, देखो यहाँ पे वो ये सारा ये अरबी के पत्ते हैं, अरे अरबी का पेड़ है, अरे हमारा खेत है, और ये हमारा गांव दिख रहा है यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से। हम अपनी रस्सी को जो है फोल्ड करते हैं और फिर चलते हैं आगे की ओर, ये मम्मी ने लाया था, तो हम इसको जरा ऊपर को खिसका देते हैं,
मम्मी इतना भारी, एक हाथ से कौन करे। अभी तो हम ऐसे फोल्ड कर देते हैं, ऐसे मम्मी अपने आप पापा अपने आप करेंगे। तो ये है वो पेड़ केले का, और ये देखो इतने बड़े बड़े पेड़ देखो। तो गाइस ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको बताता रहूँ, गांव में कैसी जो 12 के 12 महीनों का काम होता है, गांव में तो क्या करते हैं, 12 में कौन से सीजन में कौन सी फसल आती है, कौन से टाइम में कौन सी फसल कटती है। ये देखो धान थे, धान निकाल लेगा, और जो ये होता है उसका जो पेड़ होते हैं सुखा रखे इधर, ये भी काम आते हैं जब सर्दी बरसात होती, बहुत सारी बरसातें होती हैं, तो जब गाय बकरी जो बाहर नहीं निकाल सकते हैं घर छानियों से, तो बाहर निकलेगी तो इतनी बारिश होती है, इस चक्कर से यही चीज़ देनी पड़ती है। तब बकरियों को देनी, पर भैंस और बैलों को तो ये देनी पड़ती है। यहाँ पे जो है बीन्स लगा रखे, बीन्स हाँ बीन्स ही है, बीन्स हैं, बीन्स के पेड़ लगा रखे हैं। तो सो और यहाँ पे तो मुफ्त के पेड़ हैं बहुत सारे ना, अरबी के पेड़ ऐसे निकलते रहते हैं बस। ये हमारे गांव वाला जो है बैल हैं, ये हमारे जो है पुत्र अनिल सिंगलावत जी आ रहे हैं उधर से, और हैं खेला यहाँ दो, चल ठीक तब मिला बाद में। और ये हमारा गांव दिख रहा है यहाँ से, प्यारा सा गांव, वाह क्या सीन है। अपने छानी में चलता हूँ, ये हमारे बैल हैं, देखो ब्लॉक्स में बैल दिखा रहा हूँ। ये हमारी छानी यहाँ से लेकर, और ये हमारे छानी यहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर और सीधे वहाँ तक अंदर जा रहा हूँ छानी के अंदर। तो हमारी ये भैंस, ये हमारी भैंस है, और ये जो बच्चा है, अरे भैंस के बच्चे कैसा है, कैसा है, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। जरूर जरूर से माय फर्स्ट ब्लॉग विजिट करें, और उसमें देखें कि मैं क्या कैसे और कहाँ से बिलोंग करता हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं। मैं बड़ा सख्त लौट रहा हूँ, लेकिन यार यहाँ मैं पिघल गया। सो प्लीज की यार लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।